ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करंट फीलिंग्स पर रीडिंग बनाने जाऊंगी, जिसमें मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो कोई उनके मन में लग रहा है कि वो कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, और उनकी तरफ से क्या आपके लिए उनके मन में, उनके दिमाग में फीलिंग्स हैं। और दूसरी बात, मैं ये देखूंगी फ्रेंड्स कि डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी सिचुएशन में आप हैं फिलहाल, जो भी आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे रिगार्डिंग हम डिवाइन गाइडेंस निकालने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आपको भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव नोट पे, और आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और क्योंकि काफ़ी लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। ओके, सो पाइसिस यानी मीन राशि, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, उनकी फीलिंग्स देखते हैं। फ्रेंड्स, द मैजिशियन आया है सबसे पहला कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइसिस आपके जो भी पार्टनर हैं, देखो उनको ये कहीं ना कहीं, एक तो वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, हालांकि वो एफर्ट बहुत ही छोटा दिख रहा है अभी एज ऑफ नाउ जो मुझे दिखा है, बट वो मेहनत करना चाहते हैं। काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी स्मार्ट हैं आपके पार्टनर, और अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा हो रहा है कि मुझे इस रिश्ते में, पाइसिस आपके रिश्ते में उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे जजमेंट, अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं तो अब शायद इक्वालिटी का रास्ता उनके हाथ में आए, और लाइफ भी ना उनको नेक्स्ट लेवल लेकर जा रही है, एक अगला उनकी ज़िंदगी में भी एक नया पड़ाव, एक नया समय शुरू हो रहा है, जैसे कहते हैं काल का पहिया घूमे रे भैया, तो डेफिनेटली एक अगले ही लेवल पर वो ज़िंदगी के एक अलग ही मोड़ पर जा रहे हैं। यहाँ से कहते हैं ना ज़िंदगी मुड़ रही है, क्योंकि वो मैजिशियन की तरह उन्होंने ये जो भी आज वो जिस भी फेज़ में है, ये उन्होंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट मैं आप सबसे एक बताऊंगी कि अभी फ़िलहाल, अभी जैसे नवंबर आ रहा है और नवंबर 11 को 11/11 पोर्टल होता है, मैं उसके ऊपर भी एक रीडिंग करूंगी और उसमें आप सबको बताऊंगी कि हर राशि का इस 11/11 पोर्टल पर, पोर्टल का क्या असर होता है, क्योंकि 11/11 पोर्टल जो होता है ना वो मैनिफेस्टेशन का है। मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक कि हम जो भी ज़िंदगी में सोचते हैं, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बड़े होंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, जो भी हमारी अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं लाइफ में, या हम बड़े होकर कुछ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ सर्विस करना चाहते हैं, कोई बहुत अच्छी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, जो भी उसके दिलो दिमाग में चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो होता है मैनिफेस्टेशन। तो आप इस 11/11 पोर्टल के खुलते जितना भी आपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया, चाहे अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया हो, चाहे जॉब में, बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी सोची हो, कुछ इस तरह का भी सोचा हो, तो ज़िंदगी आपको जो भी मैनिफेस्ट किया है वो देगी। अभी आपके ऊपर है कि आपने गलत चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं या सही, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ इसी तरह की फीलिंग्स हैं कि उनके, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है, द डेविल आया है, स्ट्रेंथ आई है, टू ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कॉइन्स। देखो, है तो आपके साथ उनका घर परिवार का रिश्ता, ये आप हमेशा याद रखना, ये या तो मैरिड कपल, और आप ऐसे भी हो सकते हो, अभी आपको सिचुएशन लगानी है, आप उनके घर परिवार का हिस्सा हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये पाइसिस आपके पार्टनर को ऐसा लगता है।
ठीक है, बट लाइफ में वो बहुत कंफ्यूज है कहीं ना कहीं। इनफैक्ट वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, बट उनके अंदर की जो नेगेटिविटीज़ है ना, जो उन्होंने पीछे जो क्रिएट किया है अपने लिए, जो उन्होंने एडिक्शंस क्रिएट किए हैं अपनी लाइफ में, जो नेगेटिव चीज़ों में वो इन्वॉल्व हुए हैं, और आज वही सब चीज़ें ना उनको पेन दे रही है। आज वही चीज़ें उनको सोने नहीं देती, रिलैक्स होने नहीं देती लाइफ में आगे बढ़ने का। अभी फिलहाल मैं अपने पहले वाले कार्ड्स में भी देखोगे तो जजमेंट का वेट कर रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं कि अरे अब भगवान ही मेरा साथ दे, भगवान ही मुझे कुछ रास्ता दिखाए, मतलब भगवान के भरोसे बैठे हैं। मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है, मैनिफेस्ट करी जा रही है कि भगवान ही मेरे को कर दे, मैं अगले पड़ाव पर पहुँच जाऊँ, हैं मैं कुछ अच्छा कर लूँ। सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, सिर्फ हमारी से देखिए, हमारी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हमारी सोच को हमें एक क्या कहते हैं उसको, एक्शंस में भी तो डालना होता है। एक्शंस है ही नहीं, देखो आप किसी भी कार्ड में एक्शन नहीं है। नाइन ऑफ सोर्ड्स में बैठ के रोना है इंसान को, परेशान होना है, रातों को उठ के परेशान होना है, दूसरों से बातें करना है, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, ये हुआ मेरे साथ, ये ब्लेम गेम चल रहा है, यही सब चीज़ें हैं। डेविल से पता लग रहा है कि भाई वो ये डेफिनेटली कोई नेगेटिव, या तो कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है आप दोनों के बीच में जो ये बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, कोई भी हो सकता है, या एडिक्शंस है इनको किसी तरह की आपके पर्सन को, जो इन पर इतनी हावी हो गई कि सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब वो एडिक्शन तो आपको पता है किसी भी तरह की हो सकती है। अब ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, अब इतना झमेला जब इकट्ठा हो गया तो उसके बाद स्ट्रेंथ इकट्ठी करके कैसे चलेगा, एकदम तो नहीं इकट्ठी होगी ना स्ट्रेंथ भी। ये देखिए टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है उनकी लाइफ में, समझ नहीं आ रहा, सिर्फ मन में सोच के कि मेरे घर का परिवार का हिस्सा है और हमारा अच्छा हो जाएगा, आगे चल के भगवान ही कुछ करेगा, भगवान भरोसे नहीं होता, एक्शंस ही लेने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो आपके पार्टनर कुछ इसी जोन में है। आइए देखते हैं, लव मैसेजेस देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर की तरफ से निकल रहे हैं। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट टू बी। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप फ्री हो, शायद अब क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद वो आपको कह रहे हैं कि कोई आपको रोकने के लिए नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अब आपको रोके। एक और कार्ड लेते हैं, सीक्रेट एडमायरर का आया, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। मे बी वो आपके मन, उनके मन में आपके लिए बहुत ही सीक्रेटली आपको एडमायर करते रहते हो, अंदर ही अंदर उनके मन में चीज़ें चलती रहती हों, वो आपको बताना ही नहीं चाहते, एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते, वही बात है ना, वो शेयर ही नहीं करना चाहते आपसे, सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, बस उनके मन में सीक्रेटली चीज़ें चल रही हैं। डिवाइन गाइडेंस लेते हैं फ्रेंड्स आपके लिए, डिवाइन क्या कह रहे हैं आपके, आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, पीसफुल रेजोल्यूशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो डिवाइन कह रहे हैं अभी आप कुछ मत करो, फिलहाल आप कुछ मत करो, शांत रहो। आपको डिवाइन ये कह रहे हैं फिलहाल आप शांत रहो, अभी कुछ मत करो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। तो कुछ अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में, या कुछ टाइम में निकल जाएगा ये जो भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे और आप भी उनसे फिलहाल या तो बात कर रहे हो बट आपस में थोड़ा मनमुटाव है या जो भी है। तो मे बी अभी नहीं कुछ करो, बट आने वाले समय में रेजोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स का डिवाइन कह रहे हैं मैं निकालूंगा। तो हो फ्रेंड्स रीडिंग आपको क्लियर हो और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हो, आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और क्लेम करना एनर्जी को कमेंट्स में। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।